पहले तो हमारे यहाँ गांव में कच्चे मकाने में रहते हैं हम, मिट्टी के, बजरी का कोई रोल नहीं है। जैसे यहाँ पर पक्की मकाने बननी शुरू हो गई तो यहाँ से जो बजरी वगैरह लेने शुरू कर दी, तो उसकी वजह से पानी कटाव उस साइड हो गए। गांव से ये दरिया से बजरी वगैरह उठा के ले जाते हैं जी, बजरी और रेता वगैरह, फिर वो खेत में पानी इधर आ जाते हैं जी और खेत बह जाते हैं। जब 30 साल से ही चल रहा है और वहाँ फॉरेस्ट ये पौधा वगैरह भी है, वो भी ले जा रहे। पहले ये दरिया जो है ये पहाड़ के साइड साइड ही चलते हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके जो ये हमारे गांव दिख रहे हैं उसके ठीक सीधे में ही हमारे खेत होते हैं, जो वहाँ पर भी कईयों का खेत बह गए हैं और कोई लोग तो उसमें भूमिहीन भी हो गए हैं। जब आप स्पीति जैसे क्षेत्र में एक जलधारा की बात करते हैं, ऐसे स्थान पर नदी का काम होता है गाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। इस प्रक्रिया में नदी की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। अगर रेत, जो कि तलछट या गाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, को नदी के किसी हिस्से से निकालते हैं तो नदी के पास करने के लिए कम काम बचेगा और इस प्रक्रिया में कम ऊर्जा खर्च होगी। इस तरह बहती हुई जलधारा में जो अतिरिक्त ऊर्जा बची हुई है वह ऊर्जा मिट्टी का कटाव कर सकती है। इससे न सिर्फ आवास का सीधा नुकसान होता है बल्कि इससे आगे भी कई बदलाव हो सकते हैं। अब आजकल जो है हर कोई होटल तैयार करते हैं, होम स्टे तैयार करते हैं। चलो माइनिंग जो करते हैं करनी ज़रूरी है। एक आदमी जो है गरीब जो आदमी है वो बजरी वगैरह ले नहीं सकते हैं, बहुत महंगी होती हैं। रिक्वायरमेंट है माइनिंग की, वो बहुत लोकल और बहुत ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए है। घर अपने बेसिक, अपने कोई बाड़ बनाना है, किसी को टॉयलेट बनाना है, होटल बनाना है, मैक्सिमम जो है तो उसकी रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए भी जो लोकल्स उनको हरासमेंट झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये सैंड माइनिंग वाला जो लॉ है ये अभी फ्रेंडली नहीं है। हम लोकल्स जो हैं उसका पता नहीं है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। जो स्पेशल पंचायती राज एक्ट जो शेड्यूल एरियाज के लिए बने हैं, जिसको हम पीसा एक्ट 1996 बोलते हैं, तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस पंचायत को दिए गए हैं। उसमें भी मेंशन किया गया कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप जो है ग्राम पंचायत से ही आप एनओसी वगैरह जो ले सकते हैं, परमिशन आप सैंड माइनिंग के लिए। पीसा एक्ट खुद में भी बहुत बड़ा उसकी खुद की भी प्रॉब्लम है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स, कई स्टेट ऑफिशियल्स, लोकल लीडर्स जो है वो पीसा कानून को मानते भी नहीं है। लोग क्या करते हैं कि अपने ट्रैक्टर को जो मजदूर के साथ बेचते हैं, वो मजदूर तो अपने जो है उस बीच में ही घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से पानी जो है परित्रवित, भूमि कटाव बहुत हो रहे हैं उसकी वजह से। अब हम गांव वालों ने जैसे जो रास्ता था खेत के लिए रास्ता था उसमें गेट लगा दिए थे, तभी कोई दूसरा ट्रैक्टर ना आए। अब हम पंचायत वालों और गाँव वालों ने सबने लिख के डिमांड किया जी नदी को चैनलाइजिंग कर दो, तब हमारा खेत बच सकता है जी उसमें।